दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव का परिणाम आने से पहले अपनी हार मान चुकी है और उसी हार के डर से, उसी बौखलाहट से एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा ऐसा कदम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिल्ली पुलिस उठा रही है, जिससे साफ पता चलता है कि दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होना दिल्ली पुलिस के भरोसे संभव नहीं है। दिल्ली पुलिस के भरोसे आप दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते। सखूर बस्ती के एक एरिया में आज मुख्यमंत्री जी की, अरविंद केजरीवाल जी की सभा थी, सही समय पर परमिशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया। हमारे प्रत्याशी पंकज गुप्ता जी और बाकी पदाधिकारी लगातार प्रयास करते रहे और आज जबकि सभा थी, हमारे कैंपेन की शुरुआत होनी थी आज से, दिल्ली की पुलिस ने हमारा परमिशन कैंसिल कर दिया। उस जगह पे जहां पे 4 मार्च को डॉक्टर हर्षवर्धन को रैली करने की अनुमति दी गई थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पहली बार बीजेपी ने अब तक कितनी रैलियां और सभाएं की, कितने नॉर्म्स उन्होंने माने नहीं माने, और दिल्ली पुलिस ने जिस आधार पर हमारी परमिशन आज कैंसिल की है, उस आधार पे कितनी बीजेपी की रैलियों की परमिशन कैंसिल की गई है। एक उदाहरण दिखा दे रहा हूं, उसी जगह पे डॉक्टर हर्षवर्धन की रैली की अनुमति है, लेकिन उस जगह पे अरविंद केजरीवाल की रैली की अनुमति नहीं है। ये क्या हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में? कभी आप हमारे कॉल सेंटर्स पे धावा बोल देते हैं, वहां पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, कॉल सेंटर में काम करने वाली छोटी छोटी बच्चियों को अपमानित करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनसे जो डेटा हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए इकट्ठा किया वो डेटा मांगा जाता है, इसलिए कि वो डेटा बीजेपी तक पहुंचाया जा सके, जिसका इस्तेमाल बीजेपी इस चुनाव में कर सके अपने लिए। तो दिल्ली के अंदर और चुनाव आयोग, जिसके सामने हम लोगों ने जाके धरना भी दिया, चुनाव आयोग ने हमको आश्वस्त भी किया और कॉल सेंटर पे जो छापेमारी की कार्रवाई थी वो रोका भी, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा चुनाव आयोग का। लेकिन ये जो रोज हो रहा है, आज हमारे कैंपेन की शुरुआत होनी थी और बीजेपी इतना डरी हुई है, तो चुनाव क्यों करा रहे हो मोदी जी? या तो पहले से अपने लिए जीत का प्रमाण पत्र ले लो या फिर हार मान लो। अगर आम आदमी पार्टी के प्रचार से, अरविंद केजरीवाल की रैलियों से, हमारी सभाओं से, हमारे कॉल सेंटर्स से इतना डर आपको लग रहा है, तो पहले ही हार मान लीजिए, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? और अगर चुनाव इस तरह से कराना है तो पहले से ही जीत का प्रमाण पत्र लेकर आप घूमिए, चुनाव क्यों करा रहे हैं आप? लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।